आज की क्लास में पावर बीआई पे हम पढ़ेंगे डैक्स फंक्शन। डैक्स फंक्शन इसके अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, इसमें ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी से पहले यहां पे सीए 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 लिखा होता है, राइट? मुझे इसमें से सिर्फ सीए को अलग करना। ठीक है, मतलब कि मुझे फर्स्ट दो लेटर अलग करना। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहां पे न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहां पे हमने कंट्री सीसी कर दिया, कंट्री कोड। ठीक है, अब इस कंट्री कोड में मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला, इसका लेफ्ट लेफ्ट लगाया, और लेफ्ट के अंदर हमने यहां से जो हमारा ऑर्डर आईडी ऑर्डर है वो लिया, क्या लिया? ऑर्डर आईडी। और ऑर्डर आईडी में मैं बोल रहा हूं कि मुझे लेफ्ट से दो डिजिट अलग करना है, तो लेफ्ट से दो डिजिट हमने यहां पे सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस कर दिया। आपको ऑर्डर ऑर्डर आ गया? ऐसे मान लीजिए मुझे इसमें का बीच का 2012 चाहिए, ईयर जो है बिलिंग ईयर, तो यहाँ पे वाई आर कर दिया और मैं यहाँ पे लगाया हूँ फॉर्मूला मिड का। इसका लगाया मिड, मिड में ऑर्डर आई डी क्या दिया? ऑर्डर आई डी। और ऑर्डर आई डी में यहाँ हम 2022 चाहिए, तो पहले बताना पड़ेगा कि आपका मिड स्टार मिड के अंदर आपका मिड स्टार्ट कहाँ से है। तो मेरा जो मिड है ये स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 चौथे नंबर, ठीक है, और मुझे चार, समझे? फोर फाइव कैसे? एक मिनट, मुझे फाइव में फोर फोर हो रहा है, थ्री में फोर। आपका मिड स्टार्ट कहां से है? तो थ्री तो डैश है ना, थ्री क्या है? डैश। टू से स्टार्ट। बराबर अब इसमें मुझे एक राइट का फॉर्मूला जो कि राइट से अलग करता है। क्या करता है? राइट से अलग करता है। तो राइट से अलग करता, राइट। तो यहां हम मान लीजिए आईडी देना चाहते, आईडी, और यहां लगा दिया हमने ईयर, ईयर नहीं सॉरी राइट, आईडी राइट। राइट फॉर्मूले में यहां हम देते हैं ऑर्डर, क्या देते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर आईडी में हमने बोला कि राइट से मुझे 6 लेटर चाहिए, ये अलग हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि तीनों फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, लेफ्ट मिड एंड राइट, है तो एक्सेल के फॉर्मूले, जैसे एक्सेल में लगते हैं और ऐसे यहां भी लगते हैं, जैसे एक्सेल में चीजें देती है यहां भी सेम देती है, राइट? ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे ऐसा पता नहीं, मुझे फिक्स नहीं ये क्या कर, तो क्या? ठीक है सर, ऐसा फिक्स नहीं, ऐसे केसेस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च कर, ठीक है ना, सर्च कर। सर्च फॉर्मूला या फाइंड भी होता है। सर्च फॉर्मूला
आप जैसे मैंने बोला कि डैश को सर्च करो ऑर्डर आईडी के अंदर, कहां से? मैंने बोला स्टार्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे देखिए 3333 करके आ गया, आया ना 3-3। ये 3 क्या है पता है आपको? ये 3 है कि ये डैश का पोजीशन नंबर क्या है, समझे? फिर अगर मैं यहां इसी के अंदर लेफ्ट कॉमा लगाऊं, लेफ्ट में ऑर्डर आईडी दूं और कॉमा इसमें मैं कर देता हूं -1, तो क्या आएगा? कंट्री कोड। क्या आएगा? अब कंट्री कोड में इसे कोई लेना देना नहीं है, कंट्री कोड कितना डिजिट का है, ये क्या करेगा? जस्ट डैश से पहले जो भी होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर। ओके, सुन आया? नहीं, अब मान लीजिए इसी तरह से मुझे राइट का आईडी अलग करना, ऑटोमेटिक कैसे होगा? राइट से आईडी अलग करना है ऑटोमेटिक, तो कैसे होगा? तो ऐसे केस के लिए हमें लास्ट वाला जो डैश है ना ये पता है, तो क्या यहां पे चलेगा? एक्सेल होगा तो हम स्प्लिट लगा लेते हैं, इतना लगा लेते हैं स्प्लिट, बट यहां स्प्लिट का कोई नामो निशान नहीं है, स्प्लिट नहीं लगा सकते। वहां पे टेक्स्ट बिफोर है, तो यहां भी टेक्स्ट बिफोर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, क्या करें? तो फाइंड या सर्च लगा, दोनों है यहाँ पे, फाइंड फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, और सर्च दोनों एक ही जैसा लगता है, एक ही जैसा काम देता है। दोनों में अंतर क्या है? सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड आपका केस सेंसिटिव। तो यहां पे सर्च फॉर्मूले में मैंने बोला कि डैश को फाइंड करना है, और हमने बोला किसके अंदर? तो हमने बोला ऑर्डर आईडी, और हम यहां जो 1 देते हैं ना स्टार्ट पोजिशन, तो स्टार्ट पोजिशन क्या है? 1। तो इसमें हम एक बार और फाइंड फॉर्मूला लगा रहे, फाइंड या सर्च फॉर्मूला, फिर फाइंड लगा देता हूं, ठीक है ना, सर्च भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही होता है। यहाँ पे डैश कॉमा विथ इन टेक्स्ट, तो हमने दे दिया ऑर्डर आईडी, स्टार्ट नंबर 1, इसमें कर देता हूं +1, एंटर मारिए। अब देखिए 8 आ गया, समझ में आया कि नहीं सर? तो दिक्कत इसमें नहीं। अब इसमें मैं लगाऊंगा फॉर्मूला राइट का, राइट ऑर्डर आईडी में जाना है, और एक फॉर्मूला होता है लेन, लेन फॉर्मूला क्या करता है? लेंथ निकालता है। तो हमने बोला कि जो सर्च दिया था, जो इसका रिजल्ट 8 आया, उस 8 को इसकी कंप्लीट लेंथ में से माइनस कर, जो बचेगा उसको उतना करेक्ट कर राइट से अलग कर दिया सर, समझे कि नहीं? इस तरह से हम चीजें करते हैं, तो दिक्कत इसमें कॉम्प्लिकेटेड अच्छा सर, कॉम्प्लिकेटेड तो है।
राइट तो राइट के लिए है, लेफ्ट तो लेफ्ट के करने के लिए, तो टास्क करने के देखिए लिए यहाँ बताइए, करने अगर लेफ्ट लगाया लेफ्ट से लेटर अलग करने के लिए, मिड मिड से अलग करता है, राइट अलग करता है। सर्च फॉर्मूला क्या, सर्च फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोला है? वो तो तो प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट राइट मिड सर्च नॉर्मल सा काम थोड़ी है ऑफिस, ऑफिस में चीजें तो अलग होगी ना थोड़ी सी। समझ में हाँ, तो यही चीज मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ कि सर, यहां पे मान लीजिए मुझे फिक्स करना है, तो मैंने क्या किया, सर्च फॉर्मूले से क्या सर्च किया कि डैश कहाँ, ठीक है, और उसमें से माइनस एक कर दिया क्योंकि डैश से पहले वाला लेटर चाहिए, तो लेन देन निकाल दिया। अब मुझे राइट वाला चाहिए कि राइट वाला नंबर अलग कर दे। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास दो डैश है, वो फाइन अगर सर्च फॉर्मा लगाएंगे तो क्या करेगा, वो पहले वाले डैश को ही सर्च करेगा ना, क्योंकि मैंने सर्चिंग स्टार्टिंग पोजीशन वन दिया हुआ कि पहले लेटर। अगर इस लेटर को कम ज्यादा करूं तो ठीक हो जाए, तो इस लेटर पर अगर मान लीजिए छोड़ कर दूं तो फिर वो इस डैश को इग्नोर करेगा और टू से स्टार्टिंग करेगा सर्च कर, ठीक है? तो यही चीज मैंने यहां पे किया कि हमने सर्च फॉर्मूले के अंदर एक और सर्च डाल, या फाइंड सर्च दोनों एक ही होता है, उसमें प्लस वन होता है। हाँ हमने बोला कि पहले डैश में एक जोड़ दो और वहां से ढूंढना शुरू करो, तो वहां से ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गया, उसका रिजल्ट हमें एट आया था, आया था नहीं, पूरे का रिजल्ट एट आया था। अब मुझे राइट से, अब मुझे एट यहां तक आया ना, यहां तक एट आया, अब मुझे इसमें से एट को छोड़ के बाकी चीजें राइट से अलग कर लेनी है, तो मैंने पूरा सी से लेके जीरो तक का काउंट किया, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में से हमने इस एट को माइनस कर दिया। तो पूरा को पता करने के लिए हमारे पास लेन फॉर्म होता है, उस लेन फॉर्मूला में से हमने सर्च एंड फाइंड को अलग माइनस कर दिया, जो बचा उसको राइट से अलग है। तो एक बार मत लगाइएगा इसको, वन बाय वन करके लगाइएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है? क्लियर है? अब बारी आती है सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर आईडी में ए लगा है डैश, मैं चाहता हूं डैश को रिमूव कर देना, तो क्या करेंगे, यहां पे न्यू आईडी करके बनाता हूं, यहां लगाता हूं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का, इसका लगाऊंगा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट क्या है हमारा, तो टेक्स्ट है ऑर्डर आईडी, तो क्या करना है, तो डैश को किससे रिप्लेस करना है, तो ब्लैंक, एंटर मारिए, देख आ गया। अब ब्लैंक की जगह पे अगर मान लीजिए स्लैश कर दीजिएगा तो स्लैश हो जाएगा, समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं राइट है ना? अब मान लीजिए, हाँ अब मान लीजिए मुझे यहां डैश, इस डैश को अलग नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं, मुझे क्या करना है कि तीसरा लेटर जो है ना, उस तीसरे लेटर को डॉट कर। अब क्योंकि अगर डैश है तो कर दीजिएगा, कई बार ऐसा होगा कि कहीं पे डैश है, कहीं पे डॉट है, कहीं पे कुछ भी है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट के जगह पे रिप्लेस लगाना, क्या लगाना है, रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस में हमने लगाया फॉर्मूला ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में दिया मैंने कॉमा स्टार्ट पोजीशन, तो तीसरे नंबर से एक लेटर को डॉट, ठीक है? तो क्या कर दिया, डॉट कर, समझे? तो रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जी हाँ बिल्कुल, अब कई बार क्या होता है कि आपका आपका जो नंबर है
टेक्स्ट में होता है, जैसे मैं हाँ मान लीजिए क्वांटिटी है, तो उसको आप जो है वैल्यू फॉर्मूला से किसमें कर सकते हो, नंबर में कर सकते हो, तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो दो सेल को अगर ज्वाइन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे सीए और आईडी को ज्वाइन करना है, सीसी और आईडी को, तो सीसी और इसके लिए कॉनकेट लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, एंड परसेंट एंड हमने आईडी कर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो क्या आप एंड परसेंट जगह पे प्लस भी कर सकते हैं? देखें नहीं, प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड परसेंट प्लस पैथन नो, क्लियर है? तो दो सेल को ज्वाइन करने का काम कर, अलग करने का भी सिखा दिया और ज्वाइन करने का भी सिखा दिया, रिप्लेस भी सिखा दिया, कोई दिक्कत इसमें? देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल तरीके से तो काम होगा नहीं ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज को मैच करना, तो आप इक्वल लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं क्वांटिटी क्वांटिटी इक्वल टू हम कर देते हैं 3, तो ये आपका मैच हो जाता है, ट्रू हो गया क्या? लेकिन यहां पे एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है, क्या है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एस सी जो है हमारा एस सी और इक्वल टू इन्वर्टर को हमें सी सी कर दिया, कर दिया ना, सी सी कैपिटल लेटर में है, सॉरी सी सी नहीं, माफ कीजिएगा, सी ए था ना, हाँ सी ए, ये कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, कॉमा इक्वल नहीं, कॉमा हो, तो ये ट्रू आ रहा है। अगर यहां पे ए को छोटा कर दिया तो फॉल्स आया, क्योंकि एग्जैक्ट क्या करता है, केस सेंसिटिव होता है, एग्जैक्ट मैच करता है, क्या करता है, एग्जैक्ट मैच। अब मान लीजिए इसको मुझे इसमें चाहिए, जैसे डेट है हमारा, डेट को मैं अपने हिसाब से फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ, तो ये आपके पास फॉर्मेट का फॉर्मूला है। फॉर्मेट में जैसे कि मैंने शिफ्ट डेट को लिया और यहां पे मैंने दे दिया कि मुझे डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई चाहिए, तो आपका वही आए। अगर मैं बोल दूं कि मुझे सिर्फ डी डी वाई वाई चाहिए डैश लगा के, तो वही आ रहा है। मुझे मान लीजिए यहाँ एम एम वाई वाई चाहिए, तो ये जो यहाँ लिखेंगे ना इस तरह से ही आपको लिखेगा, एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट, तो यहां पे हमारा ये चल रहा है, दिख रहा है आपको? तो दिक्कत इसमें
तो ऐसे फॉर्मेट फॉर्मूले के थ्रू आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट लगाना चाहते हैं वो फॉर्मेट लगा सकते, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मूले थी, मोस्टली फॉर्मूले मैंने इसमें कवर कर दी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो